हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल PBA ज्ञान। आज मैं बात करने वाला हूँ एडवांस फिल्टर इन एक्सेल VBA के बारे में। तो जिन लोगों को लगता है कि हाँ, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, वो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। और जिन्हें लगता है कि हाँ, मुझे तो सब कुछ आता है, वो इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास बात है इस एडवांस फिल्टर के फंक्शन में। ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। ये कुछ सेल्स का डेटा लिखा हुआ है, जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का है, जिसमें ए कॉलम में बिलिंग डेट है, बी कॉलम में व्हीकल नंबर, सी कॉलम में पार्टी का कोड, डी कॉलम में पार्टी का नेम, ई कॉलम में लोकेशन, यानी कि हमारे प्रोडक्शन हाउस से वेंडर की ऑफिस या गोडाउन की दूरी कितने किलोमीटर की है, उसके हिसाब से हमने कुछ कोड डिफाइन किए हैं, वो लिखा है। एफ कॉलम में आइटम कोड है, जी कॉलम में आइटम नेम, एच कॉलम में क्वांटिटी इन ईच, आई कॉलम में क्वांटिटी इन केजी, जे कॉलम में बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर और के कॉलम में प्रोडक्ट का वेट। जैसे कि ये 7 kg का प्रोडक्ट है तो ये 7, वैसे ये 5 kg का प्रोडक्ट है तो ये 5। अब हमको इस सारे डेटा को अपने क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर करके अगर इस शीट में लाना है तो हमको एडवांस फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। और एडवांस फिल्टर का यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले इसका हेडर कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर वो हेडर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर या कहीं आपको जहाँ पर ठीक लगे वहाँ पर आपको एक ऐसे क्राइटेरिया रेंज तैयार करना पड़ेगा और उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कि देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, अगर ये 5, मतलब यहाँ ये जो एम्प्टी है तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1। और अगर कुछ लिखा है तो उस डेट की जो वैल्यू होगी उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ दूसरे में क्या लिखा है, यहाँ पर अगर B5 एम्प्टी है तो क्या हो जाए, तो इसकी वैल्यू लेस देन 60,000 हो जाए। और अगर कोई भी डेट यहाँ पर B5 में लिखी है तो लेस देन और इक्वल टू उस डेट की वैल्यू के हिसाब से हो जाए। यहाँ पर तीसरे में अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी, नहीं तो यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर और यहाँ पर इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगा है। अब हमको एडवांस फिल्टर का एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो चलिए रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस मैक्रो में और जो मैंने मैक्रो के कोड में जो चेंजेस करके अपना खुद का मॉड्यूल कोड बनाया है उसमें क्या फ़र्क है और किस तरह से वो वर्क करता है, और हमने जो एडवांस फिल्टर का मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसमें क्या क्या दिक्कत आती है। तो चलिए यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए और मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। व्यू में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ADV फिल्टर, और एंटर कर देंगे, ओके करेंगे। डेटा टैब में जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिस्ट रेंज, ये डेटा शीट में जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, ये पीछे वाली वैल्यू हम 100,000 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया रेंज है ये हमारा ये वाला है, और कॉपी टू यहाँ से लेके यहाँ तक, और ओके कर देंगे और मैक्रो को रिकॉर्ड करना बंद कर देंगे। एडवांस फिल्टर में यहाँ जो हेडिंग है और यहाँ पर जो क्राइटेरिया रेंज है उसके हेडिंग में स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। मैक्रो हमने रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन उसको यूज़ करने से पहले हमको उस कोड में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर जो हमारा फिल्टर होके
डेटा आएगा वो हर बार पहले क्लियर होना चाहिए, बाद में वो मैक्रो चलना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं कोड, शीट 4 डॉट रेंज, कौन सी रेंज है, ए 10 से लेके के और कोई भी बड़ा सा रेंज लिख दीजिए डॉट क्लियर। फिर हमारा ये क्राइटेरिया रेंज, देखिए यहाँ पर लिखा है शीट 4 क्राइटेरिया, लेकिन हम उसको बना देंगे रेंज में ही, कौन सी रेंज है, M4 से लेके R5। चलिए M4 से लेके R5, और ये कौन सी सीट में है, शीट 4 में ही है। बराबर कॉपी टू रेंज, यहाँ पर भी शीट 4 है और उसका रेंज क्या है, A9 से लेके K9। देखिए क्या है, A9 से लेके K9। तो ये हमने चेंजेस कर दिया है, अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आया, यहाँ पर दो डेट लिखते हैं, 10/1/22 से लेके 16/1/22 तक, और मैक्रो को रन करते हैं। इस मैक्रो के लिए एक बटन बना देते हैं, असाइन कर लेते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट वेट 5 लिखते हैं और क्लिक करते हैं। देखिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तरह के क्राइटेरिया लिए हैं, उसमें से अगर हम ये 4 डालें तब जाके हमारा ये मैक्रो काम करता है। अगर मुझे खाली 2 तारीख के बीच का रिकॉर्ड चाहिए तो ये मैक्रो हमें नहीं दे सकता है, चाहे हमारा कोड कितना ही सही क्यों ना लिखा हो। तो यहाँ पर देखिए इस शीट में मैंने अपना खुद का मैक्रो कोड लिखा है, तो यहाँ पर जो बीच में चाहूँ वो मैं यहाँ फिल्टर करके ला सकता हूँ। चलिए डिलीट करता हूँ। देखिए 2 तारीख के बीच का अगर चाहिए तो खाली 2 तारीख के बीच का सारा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। अगर उसमें अगर ये भी ना लिखूं, मुझे खाली व्हीकल नंबर चाहिए जो हमारे डेटा में अवेलेबल हो, वो लिख दीजिए, तो उस व्हीकल नंबर का पूरा डेटा यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 kg लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ जो प्रोडक्ट वेट 2 है उसका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएगा। और ये चीज़ जो हमने अभी मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसमें पॉसिबल नहीं हो रही है। तो ये फ़र्क था मेरे एडवांस फिल्टर के कोड में और रेगुलर एडवांस फिल्टर फंक्शन में। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट में आपके लिए लेके आ सकूँ।